अश्लीलता की जहाँ तक बात करें तो पांचों उंगली बराबर नहीं होता है। सभी कलाकार अलग अलग हैं, अलग अलग श्रेणी इन्होंने अपना अपना खुद ही बना रखा है। सब अलग अलग तरीके का टेस्ट लेके हैं। किसी को अश्लील गाने पसंद हैं, किसी को अलग गाने पसंद हैं, सबके चॉइसेस अलग हैं। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट हाँ जो एक्सेप्ट करते हैं, जो श्रोता हैं हमारे, जो आप जैसे पत्रकार होंगे, आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ में चुनाव करना पड़ेगा कि आप किसको सुनना चाहते हैं किसको नहीं। आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिलेगा, ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। जहाँ आप ही एंटरटेन करेंगे इन चीज़ों के लिए, तो ऑब्वियसली ऐसे गाने वाले और बढ़ते जाएंगे और आए दिन ऐसे गाने और बनते जाएंगे। बट कई सारे ऐसे लोग भी हैं जो अच्छे गानों को, अच्छे गीत बनाते हैं, अच्छे गानों को बनाते हैं, जो कि यू नो अच्छे श्रोता जो हैं वो सुनते भी हैं, सराहते भी हैं। मुझे लगता है हर किसी को उस वैसे गाने को, वैसे जॉनर के गाने को भी पसंद करना चाहिए, सुनना चाहिए और ऐसे गानों को भी प्रमोट करना चाहिए, ताकि हमारे जैसे कलाकार और मेहनत कर सकें और ऐसे गाने ला सकें आप लोगों के बीच। फिलहाल मेरे सावन की कई सारे ऐसे गाने आ रहे हैं जो कि बेहद खूबसूरत हैं, मेरे दिल के बेहद करीब हैं। आप लोग ज़रूर सुनिएगा, हर साल की भांति इस बार भी कुछ अलग गाने आ रहे हैं। कुछ हैं इसमें अविनाश झा घुंघरू जी के म्यूज़िक, अविनाश झा घुंघरू जी का म्यूज़िक है जिसमें, मनोज मतलबी जी लिरिसिस्ट हैं और आर्या शर्मा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बनाया है, रोशन सिंह। तो कड़ी मेहनत के बाद, मशक्कत के बाद हम सब ने मिलके बहुत अच्छा अच्छा गाना बनाया। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और इस साल सावन भी दिल खोल के यू नो अच्छे से सोमवारी मनाइए और मज़ा लीजिए, देवघर जाइए, बोल बम कहिए।